तो यार जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली चीज का मजा ही कुछ और होता है, चाहे वो पहली बार साइकिल चलाना हो, आपने फेवरेट कार्टून एंड एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को देखना, या पहली बार जो साइकिल चलाया था उसे मुक्की खाकर गिरना, सब में बड़ा मजा आता है। यार आज किस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पॉपुलर कार्टून्स एंड एनिमे के फर्स्ट एज वेल एज कुछ के लास्ट एपिसोड्स को भी देखने वाले हैं। तो यार चलो व्हाट द फैक्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीन टाइटंस गो। तो यार चलो हम उस अमेरिकन कार्टून से स्टार्ट करते हैं जो कि स्टार्ट हुआ था तो एक स्पिन ऑफ, मतलब एक ऑलरेडी फेमस शो के कार्टून शो के तौर पर, बट आगे चलकर उसने अपने मेन ही शो को पॉपुलैरिटी के मामले में पीछे छोड़ दिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट टीन टाइटंस गो, जो कि जब भी आप कार्टून नेटवर्क को खोलोगे आपको मिल जाएगा। वेल इसके अब तक 8 सीजंस आ चुके हैं जिनमें के 380 प्लस एपिसोड्स हैं। भटियार इसके फर्स्ट एपिसोड को अप्रैल 23, 2013 में एयर किया गया था जिसका नाम था लेजेंडरी सैंडविच। ओके, तो बेसिकली हमें इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि जब बीस्ट बॉय एंड साइबॉर्ग रॉबिन की सैंडविच खाकर रेवन को परेशान कर रहे होते हैं तो तंग आकर रेवन उन्हें एक राजा की कहानी सुनाती है जिसमें एक राजा अपने दरबार में एक सैंडविच विजार्ड को बुलाता है ताकि वो सैंडविच ऑफ पावर बना सके। 6 दिनों तक कठिन मेहनत करने के बाद विजार्ड वो स्पेशल सैंडविच बना ही देता है। अब सैंडविच बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ वो किंग को इटर्नल लाइफ की पावर भी देता है। अब एक रात राजकुमार राजा को धोखा देकर सैंडविच को चुराने की कोशिश करता है जिसके बाद राजा को ये एहसास हो जाता है कि ये सैंडविच बहुत पावरफुल है, इसे हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसलिए अब वो सैंडविच के सामानों को दुनिया के अलग अलग जगहों पर सैंडविच गार्डियंस के प्रोटेक्शन में रख देता है। अब यार इसी स्टोरी से फैसिनेट होकर सारे टीन टाइटंस सैंडविच के सामान को लेने अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं और काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े के बाद वो सारे इंग्रेडिएंट्स को टी टावर पर ले आते हैं। बट यार सैंडविच के बनाने के पहले ही स्टारफायर की प्यारी सिल्की उसकी पेट पूजा कर लेती है। वैसे तुम लोगों को क्या ये पता है, ये जो पूरी ही टीन टाइटंस है ना वो मार्वल के कॉम्पिटिटर डीसी के वर्ल्ड में आती है। एंड यार इसी वर्ल्ड में बैटमैन, सुपरमैन, एक्वामैन, वंडर वुमन सब हैं। और इसलिए अगर आपने कभी गौर किया होगा एपिसोड्स के बीच में कई बार इनके कैमियोज भी आते रहते हैं। तो चलो यार अब हम अपने प्यारे दुलारे बागड़ बिल्ले के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो ऑगी के फर्स्ट एपिसोड को फ्रांस 3 के फ्रेंच चैनल पर 6 सितंबर 1998 को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था बिटर चॉकलेट। पता नहीं भाई ये सारी फेमस कार्टून्स का फर्स्ट एपिसोड का खाने से क्या रिलेशन होता है। ओके, तो इस एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि ऑगी आराम से अपने घर में चिल कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक डिलीवरी आती है जिसे जब ऑगी खोलता है तो पाता है कि ये तो उसी ब्रांड का चॉकलेट है जो कि कॉकरोचेस उसे हमेशा बनाते रहते हैं, यानी कि बकरा ब्रांड चॉकलेट। अब जैसे ही ऑगी अपनी पूरी तैयारी के साथ चॉकलेट खाने के लिए बैठता है तभी वहाँ पर टपक पड़ते हैं कॉकरोचेस एंड वो ऑगी की चॉकलेट लेकर भाग पड़ते हैं। पर यार ऑगी भी अपने घर की और पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सीढ़ियों का फायदा उठाकर किसी तरह कॉकरोचेस से चॉकलेट्स लेकर उसे संडास में खाने के लिए चला जाता है। मैं भी बेचारा शायद सोच रहा होगा कि इतने सारे चॉकलेट्स हैं एंड उसका पेट तो छोटा सा है तो क्यों ना इन एंड आउट की प्रक्रिया एक साथ ही कर ली जाए। अरे यार जैसा कि हम जानते हैं कि भाई कॉकरोचेस भी बड़े लंपट हैं, वो किसी तरह स्कूबा डाइविंग करके भी ऑगी की बैंड बजाकर उससे चॉकलेट्स ले ही लेते हैं। अब फाइनली शो में एंट्री होती है दुनिया के पापा यानी जैकी। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। पर यहाँ जैक भी कॉकरोचेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और अपने मुंह का ढक्कन बनाकर और अपनी नाक कटवा कर दूसरे तरीकों से कॉकरोचेस का बैंड बजाने का ट्राई करता है। बट एज वी नो इन दोनों गधों बिल्लो को ये कॉकरोचेस एकदम मस्त तरीके से पेल कर इनके सारे चॉकलेट्स भी खा जाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे यार अभी ऑगी का सीजन 8 भी आ चुका है ऑगी एंड द कॉकरोचेस नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें ऑगी एक इंडियन एलिफेंट पिया का केयर करते हुए कॉकरोचेस का बैंड बजाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पिया ऑगी के एक इंडियन एलिफेंट फ्रेंड की बेटी है जो कि इस सीरीज में ऑगी के साथ ही रहती है। मतलब समझ रहे हो भाई, पूरे ही वर्ल्ड के लिए 2019 तक ऑगी के टोटल 7 सीजन को बनाया गया था बट स्पेशली इंडिया में ऑगी की पॉपुलैरिटी को देखकर इसका सीजन 8 भी बनाया गया एंड उसमें एक इंडियन कैरेक्टर भी है। वैसे ऑगी के मेन सीरीज के लास्ट एपिसोड का नाम होता है रन फॉर द शेल्टर, जिसमें कॉकरोचेस हमारे दुनिया के पापा जैक को बहुत बुरी तरह से डराते हैं। कॉकरोचेस एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जिसे देखकर जैक को ऐसा लगता है मानो उस पर अटैक हो गया हो और वो शेल्टर यानी कि घर के लिए दर दर भटकते फिरता है। फिर जब एटलास्टली जैक को कॉकरोचेस का ये नमूना पंती के बारे में पता चलता है तो फिर वो फाइनली कॉकरोचेस के लिए वही सेटअप तैयार करके उनसे बदला ले ही लेता है। यार अभी तक ऑगी के मेन सीरीज का यही लास्ट एपिसोड है जिसे आज से ठीक 4 साल पहले यानी कि 2019 में लॉन्च किया गया था। अब देखो इस एपिसोड से हमें ये तो पता चल ही जाता है कि अगर अभी भी क्रिएटर्स चाहें तो इसके मेन सीरीज में और भी एपिसोड्स को बना सकते हैं। पर यार पता नहीं अभी ऑगी के क्रिएटर्स उसके रीबूट सीरीज एंड बेसिक 3D सीरीज पर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। होपफुली यार अब जल्द से जल्द इस मेन सीरीज को भी कंटिन्यू
कंटिन्यू किया जाए। वैसे यारो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने 2 साल पहले ही आपको शिनचैन के फर्स्ट एपिसोड से लेकर डोरेमोन के लास्ट एपिसोड सभी को एक्सप्लेन कर दिया था और जिसमें मैंने आपको डोरेमोन की एक नहीं बल्कि दो अल्टरनेट एंडिंग को समझाया था। साथ ही ये भी बताया था कि शिनचैन कैसे पहले ऐसा गोलू मुलू दिखा करता था और अपने फर्स्ट एपिसोड में ही उसने बहुत सारे गोलमाल भी कर दिया था। जो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक प्लेलिस्ट दे दूंगा। और यार जरा ये तो कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो को देखने से पहले तुम लोग किस यूट्यूबर की वीडियो देख रहे थे और क्या वो वीडियो झक्कास थी? अगर थी तो कमेंट में जरूर बताना भाई, मुझे भी झक्कास वीडियोस देखने हैं यार, ताकि आप लोगों के लिए मस्त मस्त कंटेंट लाता रहूं। सो यार सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ओबो चमाकुन। यार ये तो आपको पता ही होगा कि ओबो चमा का पहले नाम गोबो चमा था एंड इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें टोक्यो के रिच डैनियल सोफू एरिया को दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग ही रहते हैं और जिसमें भी ओबा चमा के डैड सबसे टॉप पर होते हैं। अब आज ओबा चमा फर्स्ट टाइम डैनियल सोफू रिच स्कूल में जाता है विद हिज लोकल निंजा टर्टल्स की गैंग। अब ओबो चमा अपना इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे देता है। ये तो नमूना है। अब यही नमूना गुसेल सर की बैंड भी बजा देता है जिसे कि काकिनो नाम का एक बच्चा उसे इंप्रेस होकर उससे दोस्ती कर लेता है। अब ओबो चमा अपना पहला दोस्त बनाकर बहुत खुश होता है जिसके बाद उसके घर में एंट्री बहुत ही लाड प्यार और दुलार और चटकार से होती है। अब यार दोस्त बनने की खुशी में ओबो चमा काकिनो को पैसे देता है। बट वाला दोस्ती के पैसे कौन लेता है भाई। ओके तो अब बिना पैसों के फ्री में दोस्त पाकर ओबो चमा और उसके पापा दोनों ही खुश हो जाते हैं एंड उसके बिजनेस की फर्स्ट प्रॉफिट को देखकर उसे गले से लगा लेते हैं। ओके तो यारो अब आती है मजेदार मीम्स की बारी। पीपल भाई आजकल आसमान में पंछी दिखते ही नहीं एंड द रीजन बिहाइंड इट। इतना पॉल्यूशन हो गया आसमान में उड़ने की इच्छा ही नहीं होती है, साला मेट्रो से जाना आना पड़ रहा है, बताओ दाना चुनने। Team Rocket introducing themselves. Ash and Pikachu waiting for them to finish. सही बात है भाई, वेट किसका करो, अटैक करो। Power Rangers का भी यही हाल है भाई। बेस्ट मी मैमल बर्ड चरखी कॉम्बिनेशन। आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने। घर 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 बड़ा डॉन, छोटा डॉन, अल्ट्रा छोटा डॉन। टीचर अपनी लाइफ को सीरियस लो, क्रिएटिव बनो, ले माय बेस्ट फ्रेंड। अब यार इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि सिम्पसन्स के टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि सिम्पसन्स में 5 नहीं बल्कि 6 कैरेक्टर्स थे। मीट ग्रेगल सिम्पसन्स जो कि सिम्पसन्स फैमिली का 6th मेंबर था। अरे यार जब ये पहले शो में था तो अब इसका क्या हुआ? अब यहीं पर है एक इंटरेस्टिंग प्लॉट। एक्चुअली बहुत से सिम्पसन्स के फैन के अकॉर्डिंग अब ये कैरेक्टर हमारे वर्ल्ड से किसी पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है। देखो आज तक आपने मंडेला इफेक्ट के बारे में कहीं ना कहीं से तो जरूर से सुना होगा जिसमें अभी की वर्ल्ड की चीजें पहले कुछ और ही तरीके से हुआ करती थी। हमें ऐसा लगता है जैसे कि पिकाचू एंड किटकैट का एग्जांपल देख लो। अब जो फैंस बहुत पहले से ही सिम्पसन्स को देख रहे हैं उनको जब ये इंटरनेट से इसकी इमेजेस मिली तो उनमें से बहुतों ने इस कैरेक्टर को तुरंत ही पहचान लिया, जबकि ये हमारे अभी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करता है भाई साहब। वैसे अगर आपको सिम्पसन्स के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना है तो आप ये हमारी पिछली वाली वीडियो को देख सकते हो और नहीं तो फिर ये रहा फर्स्ट एंड लास्ट एपिसोड का प्लेलिस्ट इस वीडियो को पूरा यहां तक एंड तक देखने के लिए। दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस entire video।